वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप्स। ये हमारे अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का एक टॉपिक है, साइंस पोर्शन का एक टॉपिक है, जिसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या चीज़ होती है? एक केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब जिसमें रिएक्टेंट्स जो मिलते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्टेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट मतलब वो बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं आपस में। तो ओरिजिनल जो बॉन्डिंग उनकी होती है वो ब्रेक होती है और नए बॉन्ड्स बनते हैं। उसी उन नए बॉन्ड्स की बनने की वजह से प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनते हैं, और फिर हम रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को सिंबल्स के ज़रिए दिखाते हैं और कन्वर्जन को एरो के ज़रिए दिखाते हैं, तो जो एक इक्वेशन सी बन जाती हैं उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, ए प्लस बी गिव्स ए बी। तो ए प्लस बी जो दो एलिमेंट्स हैं ये मिलेंगे और कंपाउंड बनाएंगे ए बी। तो ए बी जो है वो प्रोडक्ट हैं और ए और बी जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं। और अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली दिखाएंगे तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो एसेंशियली केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन एक ही चीज़ है। तो केमिकल इक्वेशन इज़ ए पिक्टोरियल एंड सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं और नए बॉन्ड्स बनाते हैं। प्रोडक्ट्स वो केमिकल्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं जो फॉर्म होते हैं जब रिएक्शन होती है रिएक्टेंट्स के दरमियान। तो पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेंगे कि इन एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, वगैरह वगैरह। एलिमेंट वो सब्सटेंस हैं जो एक प्योर सब्सटेंस होता है और एक ही तरह के एटम्स का बना होता है। मिसाल के तौर पर आयरन एक एलिमेंट है, या लेड एक एलिमेंट है, या कोई हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है। तो ये जो सारे एलिमेंट हैं ये एक ही सब्सटेंस के बने हुए हैं, एक ही काइंड के एटम के बने हुए हैं। कंपाउंड वो सब्सटेंस हैं जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर में होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कंपाउंड वो सब्सटेंस हैं जो मॉलिक्यूल्स का बना होता है, और मॉलिक्यूल में होता है दो या दो से ज़्यादा तरह के एटम्स। इस वाटर में दो तरह के एटम्स हैं, H2 यानी कि हाइड्रोजन एटम्स हैं और ऑक्सीजन एटम्स हैं। केमिकल फार्मूला जो है वो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक एटम्स का जो एक मॉलिक्यूल में होते हैं, एक एलिमेंट या कंपाउंड के। मिसाल के तौर पर वाटर का जो मॉलिक्यूल है H2O, तो इसमें दो हाइड्रोजन एटम हैं और एक ऑक्सीजन एटम है। तो ये एटम्स का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको बोलते हैं केमिकल फार्मूला। तो ये एलिमेंट में भी होता है और कंपाउंड में भी होता है। मिसाल के तौर पर एलिमेंट हाइड्रोजन में होता है, उसमें H2 मॉलिक्यूल होता है, तो उसमें H2 दो हाइड्रोजन होते हैं, तो उसकी केमिकल फार्मूला H2 है। और H2O केमिकल फार्मूला है वाटर की, यानी कि कंपाउंड की। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जो पार्ट टेक करता है केमिकल रिएक्शन में। इससे स्मॉल पार्टिकल्स केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं टेक करते हैं। तो मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्ट एक सब्सटेंस की हैं विच कंपोज ऑफ मोर देन, जिसमें एक एटम्स बाउंड टुगेदर होते हैं। मतलब मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्ट हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। इस ये दो ये बाकी तरह के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है और सब्सटेंस को बनाता है, जिसको कंपाउंड बोलते हैं या फिर एलिमेंट बोलते हैं। अगर मॉलिक्यूल में एक ही तरह के एटम हैं तो फिर एलिमेंट बनेगा। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, वगैरह वगैरह। और अगर मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स हैं तो उससे कंपाउंड बनेगा। तो ये एक सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्ट है जो बाकी इंडिपेंडेंट पार्ट से कोवेलेंटली बॉन्ड नहीं होता है। थोड़ा से इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम देख लेंगे, ये एलिमेंट आयरन है जिसमें आयरन एटम्स हैं और इन आयरन एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड्स नहीं हैं। इन आयरन एटम्स के दरमियान वीक बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वान डर वाल्स फोर्स हैं। तो जो एलिमेंट हैं इसमें ये सारे एक ही किस्म के एटम होते हैं, आयरन एटम्स। इसी तरह जो कंपाउंड है उसमें दो तरह एक ही किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इसमें एक मॉलिक्यूल में दो तरह के एटम्स होते हैं और वो हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसा कि हम यहाँ दिखा रहे हैं। हाइड्रोजन दो हैं और ऑक्सीजन एक हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। इसी तरह जो एलिमेंट हाइड्रोजन है, इसमें जो हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं
और एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, जो कि इसकी केमिकल फार्मूला है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बताया कि केमिकल फार्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स इन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। तो एक एलिमेंट जो है वो एटम्स का बना होता है, जैसे कि आयरन है, या फिर मॉलिक्यूल्स का बना होता है जैसे कि हाइड्रोजन है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में बताया। अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस की कितनी टाइप्स होती हैं। तो कंबिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन होती हैं, इनको एडिशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, कंबशन रिएक्शंस होती हैं, साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं, और भी कई तरह के रिएक्शंस होते हैं। तो ये बेसिक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें दो रिएक्टेंट जॉइन टुगेदर करते हैं, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है उसकी, हम इन रिएक्शंस को बोलते हैं। ये सिंथेटिक रिएक्शंस भी हैं, ये इसमें पर्टिकुलर चीज़ की सिंथेसिस भी होती है। सिंथेसिस यानी कि बनता है, कोई पर्टिकुलर चीज़ बनती है। यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन की के मिलाव से सोडियम क्लोराइड बनता है, यानी कि कॉमन साल्ट बनता है। तो इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं दिस इज़ अ कम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड विच इज़ कॉमन साल्ट। इनको जैसा कि अभी बताया हमने, सिंथेटिक रिएक्शन को कम्बिनेशन रिएक्शन भी बताते हैं, कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे रिपीट हुआ है, सोडियम और क्लोरीन बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे कॉमन साल्ट बना है। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की तरफ आते हैं। ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें एक सब्सटेंस ब्रेक होता है अपने कंपोनेंट्स में, एक सब्सटेंस जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है और कंपोनेंट्स में डिसइंटीग्रेट होता है कंपोनेंट पार्ट्स में। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ये डिकम्पोज होगा, डिसइंटीग्रेट होगा और ब्रेक डाउन होगा। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो एस्केप हो जाएगी। इसी तरह अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो उसमें सोडियम ऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड है अपने कंपोनेंट कंपाउंड्स में डिसइंटीग्रेट हो गया, इस रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी किस्म जो रिएक्शंस की है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो है एक एलिमेंट जो है, एक एटम जो है दूसरे एटम को रिप्लेस करता है, तो इनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है, दूसरे एलिमेंट को जो कि दूसरे कंपाउंड में होता है। मिसाल के तौर पर जिंक जब मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। यहाँ पे जो है HCl में H की जगह जिंक आ गया, तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया HCl में, तो इसने जिंक क्लोराइड बनाया। इसी तरह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं जिसमें दो एलिमेंट्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। मिसाल के तौर पर AB + CD = AC + BD, यानी कि A ने D को डिस्प्लेस किया और B ने जो है C को डिस्प्लेस किया। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, दो ग्रुप्स या एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की जो एग्जांपल हैं वो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, पोटेशियम आयोडाइड जो है जब मिलता है लेड नाइट्रेट के साथ। एक बात आप याद रख लीजिए, या तो एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता है या एक ग्रुप डिस्प्लेस होता है। NO3 जो है इसको बोलते हैं नाइट्रेट, ये एक ग्रुप है। इसी तरह सल्फेट है SO4। तो रिएक्शंस में डिस्प्लेस होता है या तो एलिमेंट होता है या ग्रुप डिस्प्लेस होता है। तो यहाँ पे ग्रुप डिस्प्लेस होता है, नाइट्रेट ग्रुप और आयोडीन डिस्प्लेस होते हैं अपनी अपनी जगह से। तो जब पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिलते हैं तो वो बनाते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब मिलते हैं तो बनाते हैं पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो पोटेशियम में आयोडीन है उसको डिस्प्लेस किया नाइट्रेट ने, और जो लेड नाइट्रेट में नाइट्रेट है उसको डिस्प्लेस किया आयोडीन ने। तो इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एक और किस्म रिएक्शंस की हैं जिसको हम कंबशन रिएक्शंस बोलते हैं। कंबशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जब एक एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ मिलता है और उसको ऑक्सीडेशन होती है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। इसको आम लफ्ज़ों में बर्निंग भी कहा जाता है। जैसे कि एक एलिमेंट या कंपाउंड, एक सब्सटेंस ए है जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलती है और फिर वो ऑक्साइड बनाता है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है इसमें। इसकी एग्जांपल ये है कि जब कार्बन मिलता है
ऑक्सीजन के साथ तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। जैसे कि कोल बर्न होता है, कोल में कार्बन होता है, कोल जब बर्न होता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, उसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा, तो जो कि पॉइजनस है, जिससे बहुत सारी डेथ्स भी होती हैं, क्योंकि वो कार्बन हेमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी एफिनिटी बहुत कम होती है हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड कम हो जाती है और उससे पॉइजनिंग हो जाती है और फिर डेथ हो जाती है। कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन जो है 200 टाइम्स मोर एफिनिटी होती है उसकी हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन, इसीलिए पॉइजनिंग होती है और फिर डेथ होती है। अब हम वापस आते हैं, तो अब हम उन रिएक्शंस में जिनमें एनर्जी रिलीज होती है उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, और उन रिएक्शंस को जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ये नेट एनर्जी है, नेट एनर्जी मतलब जो नेट, कभी कभी रिएक्शन करने में भी एनर्जी लगती है लेकिन फिर रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट्स में बनते हैं तो कुछ एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी लगने के एनर्जी से ज़्यादा होती है तो हम बोलते हैं नेट एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर नेट एनर्जी नेगेटिव होती है होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी एक तरह की एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, लेकिन इसमें एक इंसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो जो हैं सॉल्युबल होते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है होते हैं उनमें एक इंग्रेडिएंट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड जब मिलता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो वो बनाता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। इनमें सारे जो सब्सटेंसेज हैं वो सॉल्युबल हैं, लेकिन जो सिल्वर क्लोराइड है वो इनसॉल्युबल है और इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इन रिएक्शंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, जिनमें एक इनसॉल्युबल कंपाउंड निकल आता है, सॉल्युबल रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करेंगे तब निकल आता है एक इनसॉल्युबल कंपाउंड, और इस इनसॉल्युबल कंपाउंड को जो निकल आता है इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो हमारा मकसद ये होता है कि ये इनसॉल्युबल कंपाउंड हम अलग करें। कुछ और तरह की भी रिएक्शंस भी होती हैं, जैसे कि साइक्लाइजेशन है, साइक्लाइजेशन को एरोमेटाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक एरोमेटिक रिंग फॉर्म होती है। रिंग मतलब जो सारे बॉन्ड्स क्लोज्ड हैं, जैसे कि बेंजीन होता है, मतलब उसमें सारी जो रिंग हैं वो क्लोज होती है, तो उसको एरोमेटिक रिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड होते हैं वो एरोमा छोड़ते हैं, यानी कि उनमें एक मुश्क होती है, तो इसीलिए इसको एरोमेटाइजेशन भी बोलते हैं। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्लैनर वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर के होते हैं, और फिर जो प्रोडक्ट होता है वो रिंग स्ट्रक्चर का बनता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट ही हम बोलेंगे इसको, एक बेसिक रिएक्शन जो है। इसमें जो है एक एसिड और एक अल्कली, यानी कि एक एसिड और एक बेस जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, और वहाँ से साल्ट निकलता है और वाटर निकलता है, और जो ये दोनों एसिड और बेस हैं वो इन इफेक्टिव हो जाते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि जो एसिड और अल्कली का इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज होता है, ना एसिड रहता है ना अल्कली रहती है, बल्कि एक साल्ट बनता है जो न्यूट्रल होता है, और वाटर बनता है वो भी न्यूट्रल होता है, इसीलिए हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जो पीएच है वो न्यूट्रल होता हो जाता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रांग बेस है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलती हैं, वो भी एक स्ट्रांग एसिड है, ये सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट है जो कि न्यूट्रल है, और वाटर बनाते हैं। इसी तरह इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई दूसरा बेस या एसिड मिलते हैं तो यही रिएक्शन होती है, एक साल्ट बनता है, हो सकता है दूसरा साल्ट बने दूसरे एग्जांपल में, और वाटर निकलता है, उसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये टाइट्रेशन में भी काम आती है। सिंथेसिस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, पहला टाइप जो था वो सिंथेटिक रिएक्शंस का था, एडिशन रिएक्शंस भी उनको बोलते हैं, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी उनको बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको एक नोटिफिकेशन मिले जब एक नया वीडियो हम डालेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, वी विल अपलोड एवरीथिंग रिगार्डिंग फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम।